व्याख्यान की जरूरत थी, जो कुछ चीज़ें किसानों के पास गई है, अच्छा हुआ, थैंक्स। नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहिए, जो ब्रदर ने बताया अभी, और आने वाला भारत नए प्लेयर का गढ़ है। पूरा विश्व देख रहा है कि यहाँ पर हम कबड्डी खेल सकते हैं। तो अभी शुरुआत हो रही है नई टेक्नोलॉजीज़ की, अभी इंतज़ार रखिए, काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत केवल पंजाब में हुई थी, लेकिन वो हर जगह पहुँचेगा, चिंता मत करो, सबके पास आएगा। आप सभी के गांव, घर, जेब तक पहुँचेंगे, फिक्र मत करो। चलो, थैंक यू। सो आप सभी तो हो ना मेरे साथ जी, आपको सुनने के लिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे, ये सारी चर्चाएं थी कि हम खेत में क्या कर रहे हैं। अब मैं वो चर्चा करने वाला हूँ जो हमें खेत में एक्चुअल में करना है। अभी मैंने आपको एक पहलू दिखाया कि हम फार्मर क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। एक्चुअल में करना क्या चाहिए, उस पर भी हम आगे बात करने वाले हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, बट इन सबको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो शायद हम सही जगह पर पहुंच पाएंगे, सही दिशा पर पहुंच पाएंगे। राम जी को साथ में लेकर चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, है ना? गलती होगी तो मैं क्या करूँगा पता है? आप ही ने बोला था, मैंने थोड़ी बोला कुछ। मेरे मुखाग्र बिंदु से तो कुछ आता ही नहीं है, जो करते हैं वो यही करते हैं। सो अच्छा जाए या बुरा जाए, कमज़ोर जाए या मोटा तगड़ा जाए, वो सब इनसे ही जा रहा है। तो आप ये भूल जाना कि मैं कुछ आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपसे कौन बात कर रहा है? राम जी बात कर रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं। अभी हम आते समय बीच में सारंगपुर मंदिर आया था, रात में वहीं दर्शन किए, बजरंगबली के प्रसाद वहीं पर लिया। जिनके यहाँ रुके, भैया बोल रहे थे कि खाना यहाँ पर खाना था, बट सवेरे जब मैंने यहाँ पर वो रोटला, मिर्ची और क्या छाछ, दही का चटनी, छाछ, रोटला चूर चूर के खाया मैंने, ऐसे उंगलियाँ सबड़ा सबड़ा करके, तो पुराने दिन मेरे याद आ गए जब मैं मोटर वाइंडिंग करता था। अभी बीच में भी हम मक्का की रोटी और छाछ ही खाते हैं। आप ये मत समझना कि बलराम इधर माइक पकड़ के खड़ा है, मतलब कुछ अलग मशीन है या कुछ है। आप में से ही फार्मर हूँ मैं, किसान हूँ, मैं भी खेती ही करता हूँ। सो दो मुद्दे मेन हैं, उसके बाद तीसरा चौथा मुद्दा है। मैं चार चरण में अभी आपके पास पहुँचूँगा। स्वस्थ मिट्टी, जीवंत मिट्टी, खेती क्या होना चाहिए, उसका प्रकार क्या होना चाहिए, सवेरे से दोपहर तक हमने समझा। अभी अर्निंग कहाँ से आएगी पैसा, उसके लिए दो फसलों पर मुझे यहाँ पर चर्चा करने के लिए बोला गया था। एक है बैम्बू, दूसरा है केला। केला आप लोगों के पास है लगा हुआ, जो आपकी इनकम को तगड़ा इंक्रीज कर सकता है और खर्चे कम कर सकता है। अभी मैं फटाफट लूँगा। इसी के साथ किसी भी फसल में दवाई हम क्या डालें जिसके लिए हमें दवाई दुकान पर जाना ना पड़े, और फर्टिलाइज़र क्या डालें जिससे हमारा खर्चा कम से कम हो। ये चार मुद्दे मेन हैं। इन मुद्दों के साथ साथ यहाँ के जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने बुलाया है मुझे, FPO ने, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। आप FPO के संगठन से जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत खुशी की बात है कि आप किसान इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं। FPO के दो चरण होते हैं मेन, तीसरा चरण हम जी रहे हैं जो किसान पाठशाला के साथ अभी बैठकर सुन रहे हैं। एक चरण हुआ एग्री इनपुट, पहला चरण है इनपुट FPO का। इन मतलब खेत में जो हमें सामान की आवश्यकता लग रही है वो कम दामों में कैसे मिले। हम FPO के थ्रू अगर जा रहे हैं तो कम दामों में हम सामान ले सकते हैं। संगठित किसानों के तरफ से एक व्यक्ति ऑर्डर करे सामान का तो सस्ता आएगा, ये एग्री इनपुट है। दूसरा है एग्री आउटपुट। आउटपुट मतलब हमने खेत में जो उगाया, पकाया, उसको अच्छे दामों पर कैसा बेचें। तो
यहाँ के जो एफपीओस को रन कर रहे हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पर केला अच्छा खासा हो रहा है एफपीओ के साथ में, और केले में मैं 2010 से हूँ, केले को जी रहा हूँ, पी रहा हूँ, सी रहा हूँ, खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ 2010। हेलो, आज है 23, है ना। जब मैंने केला चालू किया तो 3% एक्सपोर्ट हो रहा था भारत से, 3% एक्सपोर्ट हो रहा था। हमने जब केला चालू किया समझा कि इसको 30% तक लेकर जाएंगे, आज हम सफल हुए, 7.5 से 8% केले को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये थोड़ी सी हमने पहल करी थी उसका ये नतीजा निकला है। केला बहुत पैसा देता है और लॉटरी सिस्टम है उसमें, और केला एक ऐसी फसल है जिसमें एक बार निवेश करके हर साल उससे, हर 6 महीने में उससे पैसा लिया जा सकता है। तो एफपीओस के माध्यम से संगठित होकर के अगर तरीके से हम केले की खेती करेंगे, इकट्ठे होकर एक तरीके की, केला तो लगा रहे हैं लेकिन किसी ने 5x5 लगाया, किसी ने 5x6 लगाया, किसी ने 5x7 लगाया, तरीका अलग हुआ, किसी ने कितना खाद डाला, किसी ने कितना खाद डाला, फल आने के बाद उसको फ्रूट केयर किसने किया, पंजे कम किसने किए, दवाई किसने स्प्रे किया नहीं, उसके ऊपर बंच कवर लगाया नहीं लगाया, तो डोमेस्टिक में बिकने के लिए तो तैयार है। लोकल में आपके यहाँ केला कम है तो यहाँ तो केला बिक जाएगा। जैसे अभी मैं ब्रदर के खेत पे गया था सवेरे, केला बहुत अच्छा है यहाँ क्षेत्र के मुताबिक, लेकिन उसमें लगा है कीड़ा, फल पूरा काला चिट्टा हो रहा है, सिगटों का है और बीटल है, एक छोटा काला कीड़ा आता है, बीटल लगी है, उसकी वजह से केला ख़राब हो रहा है, बट फिर भी यहाँ पर बिक रहा है क्योंकि लोकल में केले की फसल कम है इस क्षेत्र में। ये गुजरात का लास्ट कॉर्नर आ गया है, आगे दरिया है, पीछे ज़्यादा किलोमीटर चलने की लड़ाई है। अगर यहाँ के मार्केट में केले का फल चाहिए तो ज़्यादा लंबी दूर से खरीद के लाकर पकाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ लोकल का बिक रहा है। इस टाइप का केला अगर राजपीपला में हो, आपके गुजरात में ही दरिया के पार सूरत कामरेज में हो, तो बिकेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी केले की ही खेती हो रही है। तो फिर जहाँ ज़्यादा खेती होती है वहाँ क्वालिटी चाहिए, जहाँ व्यापारी ज़्यादा आते हैं, जहाँ ट्रेवल, जहाँ कम खेती है क्वालिटी नहीं है बिक गया, लेकिन रेट भी फिर कम मिल रहा है ना, दोनों चीज़ें हैं। तो एफपीओ के माध्यम से हम संगठित होकर एक जैसे क्वालिटी वाला अगर बनाएंगे तो अभी जितना पैसा कमा रहे हैं शायद इससे 2 पैसे ज़्यादा कमा पाएंगे। क्वालिटी वाला केला बनाएंगे तो हम लंबी दूर के मार्केट में भी पिचिंग कर सकेंगे। एफपीओ के माध्यम से जब आप सीखने बैठते हो तो आपको हम क्रॉप डॉक्टर का भी कोर्स कराएंगे। ये बोर्ड जो देख रहे हो, क्रॉप डॉक्टर, फसल चिकित्सक, अपने खेत का खुद ही डॉक्टर। अभी जो आपके साथ मैं पाठशाला ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप लोगों तक थोड़ा सा ज्ञान बांट रहा हूँ। आपको मैंने बोला पेन डायरी से लिखिए, जो समझ में आए सीखिए। इसका एक 90 दिन का कोर्स होता है हमारा क्रॉप डॉक्टर का, तो इस एफपीओ में हम क्रॉप डॉक्टर की भी निर्मिति करेंगे। 90 दिन का कोर्स है, जो क्रॉप डॉक्टर सीखना चाहता है वो ये नंबर लिखिए 8517938222। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, ये फ्री में आपको क्रॉप डॉक्टर का कोर्स सिखाएंगे। मोबाइल पर आपके जानकारी आएगी, 90 दिन के कुछ वीडियोस आएंगे, घर पे बैठकर देखना है, नोट्स बनाना है और उसका फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप भेजना है। वो आपको कमांडिंग देंगे कि घर पे बैठकर खेती करना कैसे सीखें, कहीं चार्जेस नहीं, कोई पैसा नहीं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ क्रॉप डॉक्टर हैं खड़े हुए, कुछ व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी क्रॉप डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं, आप भी कुछ कर रहे थे ना, ये आपको थोड़ा सा बताएंगे कि क्रॉप डॉक्टर कैसे कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और क्या समझे अभी तक आप। हेलो, नमस्कार जी सर, मारू नाम जनम सिंह झाला, सुरेंद्रनगर थी आवो छु, अने साहेब ने 2019 में जब कोरोना आयो ने ने पहला थी वीडियो ना माध्यम थी सांभळ करो, पछी क्रॉप डॉक्टर नो पहलो वीडियो आयो YouTube में, એના માધ્યમથી મને ખેતીમાં ઘણી બધી તકલીફ થઈ છે, મારી પોતાની 10 એકર જમીન સિવાય જમીન છે કામ પોતાની, તો મને ઘણી બધી તકલીફ પડતી, તો વિડીયોના માધ્યમથી શીખવા મળે, ઘરે બેઠા ક્યાંય જવાનું નહીં, ખેતરમાં ખેતરમાં બેઠા બેઠા આપણે જ્યારે ફ્રી હોઈએ ત્યારે આ વિડીયોના માધ્યમથી શીખીએ તો મને સરળ ખેતી લાગી, સરળમાં સરળ પદ્ધતિ હોય તો બધાભાઈની
बाकी घना बदला नष्टी करे कोरोना आयो त्यार छे वर्ष सुधी भ्रमण करी करी बधी जगह फेरो पर सरल में सरल मैंने आ स्थिति रहे की सस्टेनेबल खेती ग्रीन पाके सस्टेनेबल खेती तो वीडियो माध्यम से आप भणो भणेला हुए कोई तकलीफ नहीं बजा सीखी सके आज छेला त्रण वर्ष थी साहब मतलब जे अपने वीडियो में समझावे ये रीते खेती करी से तो सतत मतलब खेती ने आवक में वारो थे खर्चो ओछो थाय એમનો એક સ્લોગન છે કે ઉત્પાદન વધારે અને ખર્ચો ઓછો તો આપણે બધાને જરૂર છે કેમ કે પ્રજા પાસે પૈસો હોતો નથી જેની પાસે પૈસો છે એ ખેતી કરી શકે એવું એક વાક્ય હતું પણ આપણે જોયું કે વગર પૈસે મતલબ ઓછા પૈસે ખેતી કરી શકાય તો બધા ભાઈનો ખૂબ આભાર માનું કારણ કે એમને મને આમાં પસંદ કર્યો અને આ દરેક ટ્રેનિંગમાં હું આવું છું હજુ એક દિવસનો મારો ફિક્સ ટાઈમ મારો ખેતીવાડીનો ટાઈમ બગાડે બાકી તો બધું ઘરે બેઠક આપણે કરી પણ આવું કે ગુજરાતમાં આપણે ત્રણ સેમિનાર છે એમાં નજીકનું મારે આપેલું ભાવનગર એટલે હું મારા બધા કામ પડતા મૂકી રાતના ટાઈમમાં નીકળી ગયો એટલે સવારમાં પહોંચી ગયો છે પહેલાં તો એનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું બધાને બદલાવ જરૂરી છે જોઈએ જેને જેને બદલાવ કર્યો ખેતીવાડીમાં એ આગળ નીકળશે તો થેન્ક યુ વરણભાઈ અને આપ સૌને હું ગુજરાત તરફથી એક જ વિનંતી કરું કે સાહેબને 100% ફોલો કરો ને 20% ફોલો કરો તો મને ફાયદો લાગ્યો તો મેં 100% ફોલો કર્યો હવે 100% ને મને તેમ લાગે કે 1000% ફોલો કરવું હોય ને તો છાતી ફૂકી હું કહી શકું કે ના એમને ફોલો કરશો તો કશું પણ નહીં જાય થેન્ક યુ ये मैंने परिचय क्यों कराया आपको पता चलना चाहिए कि आपके ही बीच में कोई मित्र ऐसे हैं जो क्रॉप डॉक्टर सीख चुके हैं अब अगर आपको नेक्स्ट में मेरे जो व्याख्यान समझने के बाद अगर मेरी आवश्यकता लगे तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो ये खेत में आकर के देख भी सकते हैं जैसे फ्री होंगे तो आपकी खेती को सस्टेनेबल करेंगे एपीओज में आप लोगों को क्रॉप डॉक्टर की निर्मिति करना है कितने सदस्य हैं यहाँ पर लगभग 500 हैं ये जो 500 आप फार्मर इकट्ठे जुड़े हो ना मैं कितने ही प्रवचन दे लूं, आप कितनी ही मीटिंगें अटेंड कर लो बट एक छोटी सी ललक रह जाती है कि कोई 8 दिन में एक बार मेरे खेत में आएगा क्या ऐसा रह जाता है मुझे आकर बताएगा क्या इसलिए क्रॉप डॉक्टर आपके बीच में से ही किसी बंदे को सीखना पड़ेगा कि खेत में जाकर देखूं क्या मैं भी बतलाऊंगा देखना क्या है बट एक व्यक्ति आकर आपके खेत में घूमकर चले जाए और आपको आपका आईना दिखा दे कि आप कहाँ खड़े हो थोड़ा सीधा चलो या ज़्यादा सीधा चल रहे हो थोड़े रुक जाओ एक आईना दिखाने वाला अगर खेत में चक्कर लगा के चले जाए तो हमारी खेती और सस्टेनेबल हो जाएगी इसलिए आपके जो 500 खेडूत है इनमें गांव कितने आते हैं 12 गांव आते हैं उदाहरण के लिए 11-12 हो सकते हैं तो मेरी तरफ से मेरी संस्था फ्री में आपके एपीओस को ये 12 व्यक्तियों को एक गांव से एक व्यक्ति कम से कम क्रॉप डॉक्टर बनना चाहिए ताकि जिसको सारा मालूम हो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ उसको जस्ट इस नंबर से कनेक्ट करो एक गांव से 10 भी बन सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मिनिमम एक क्रॉप डॉक्टर बने 90 दिन के वीडियोस आएंगे कुछ प्रश्न उत्तर होंगे घर पे बैठ करके अपने खेती किसानी काम करते हुए सीख जाएंगे कि मुझे पड़ोस के खेत में अगर ज़रूरत है तो क्या देख करके एडवाइस देनी ये हमारे एपीओ का दायित्व है कि हम ही अपने किसानों को सिखा दें तो आप ये पहला पहल कीजिए दूसरा पहल इनपुट और आउटपुट में बी किसान ग्रुप पूरे भारत में कई सारी चीज़ों पर काम कर रहा है केले का टिश्यू कल्चर का लैब है 3 लैब है जिसमें केला बैम्बू पपाया सुगर केन इनमें काम करते हैं तो हम एग्री इनपुट में ड्रिप एरिगेशन का फैक्ट्री है बी किसान का खुद का तो आपके एपीओस जब जुड़ेंगे तो ड्रिप में पौधे में खाद में सब्सिडाइज रेट में आप तक पहुंचेगी तो एपीओ का काम क्या है एजुकेशन देना जो आपको किसान पाठशाला फ्री में देगा एग्री इनपुट बी किसान ग्रुप और ओटू पार्क के हमारे जितने वेंचर्स हैं उनके जो भी प्रोडक्ट हैं आपका एपीओ जुड़ गया है तो आपके किसानों को सब्सिडाइज रेट में मिलेगा और तीसरा एग्री आउटपुट आप अगर 100% हमारे कथन पर चलते हैं कंडीशन अप्लाई नीचे हैं आप अगर 100% हमारे कथन पर चलते हैं
तो आपके यहाँ का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में कैसे बेचना, उसके लिए हम और आपका एपीओ बैठ करके रचना रचेंगे और उसको ज़्यादा अच्छे रेट में बड़े बायरों तक कैसे पहुँचाना, उस पर हम पूरे भारत में काम कर रहे हैं। तो एपीओस को लेकर के हम सशक्त हैं, पूरे भारत में कई एपीओ के साथ जुड़े हैं, आज आपके यहाँ आपके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ भी जुड़ रहे हैं, तो आपके एपीओ के साथ एक जेवी करके हम सभी किसानों तक पहुँचेंगे, इसका मैं आश्वासन देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुबह से अभी तक जो हमने चर्चा करी कि केले में 3% एक्सपोर्ट था, हम 30 तक ले जाना चाहते हैं, इसके लिए ग्राउंड पर केले की क्वालिटी को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ केला कैसे लगा रहे हैं वो मैंने कुछ प्लॉटों पर देखा था, लेकिन होना कैसे चाहिए केला उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। केले की खेती ये नया चैप्टर में ले रहा हूँ, अभी मैंने आपको सिखाया एपीओ से हम कैसे